चलो देखो, जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ते हैं वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मतलब बहुत सारा बैटरी एक साथ लगा हुआ हो, उन बैटरी का कनेक्शन कैसे है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो करंट निकालते हैं, बहुत कुछ निकाले, करंट ही मेन होता है। बैटरी बोलो, टॉर्च में तीन बैटरी होता है, एक के बाद एक के बाद सीरीज होता है, वैसे पैरेलल भी लग सकता है। डिपेंड्स नहीं, अब वो अंदर में कनेक्शन कैसा है तुमको नहीं पता, ये तुमको नहीं पता, तुमको तो सिर्फ बाहर से जैसे दिख रहा है उसके साथ जुड़ सकते हो ना, अंदर में तार कैसे जुड़ा हुआ है तुमको नहीं पता। एक बैटरी यहाँ लगा और एक बैटरी यहाँ लगा और दोनों का प्लस को माइनस को तार से जोड़ दी, तो क्या बोलोगे कि नहीं ये पैरेलल है, सीरीज ही हो जाएगा, तो अंदर में क्या ये नहीं पता हमें। अभी देखो जल्दी, लेकिन वो भी है सीरीज ही रहता है क्योंकि ऑपोजिट रहता है, प्लस है तो उधर प्लस होगा। जो भी हो बोला था, अंदर का सर्किट हम लोग देखेंगे, अंदर में तार कैसे जुड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर में कैसा दिख रहा है। ठीक, अभी देखो बहुत सारे सेल हैं एक सर्किट में, मान लो यहां पे ने लिखा एन नंबर, एन सेल्स, ठीक है, टोटल कितने सेल्स हैं, एन सेल्स। अभी उन एन सेल्स को हमने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर से जोड़ा है तो कुछ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, हर एक सेल के साथ उसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस अटैच होगा, होगा, लास्ट क्लास में पढ़ा था, हर एक सेल का उसके अंदर में एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है। तो देखो तो करते करते अगर एन टाइप सेल है तो टोटल ईएमएफ जो जनरेट होगा वो एन इंटू ई होगा। ये देखो ये मेन सर्किट है और ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट है। कैसा सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट, ई सेल्स का एन नंबर ऑफ सेल्स ई टाइम, मतलब ई सेल्स जो थे वो एन नंबर ऑफ टाइम्स है तो एन ही हो गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा। और इन सबका रेजिस्टेंस जो कि सब सीरीज में क्या होगा, एन आर, और ये है लोड रेजिस्टेंस। तो अभी करंट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस, चूंकि ये दोनों सीरीज में है, देखो एक एंड दोनों का जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू होता है, तो लिख दिया हमने। अभी यहां पे गेम क्या है कि अगर मान लो टोटल एम सेल में से कुछ एम नंबर ऑफ सेल, जैसे मान लो मेरे पास टोटल 10 बैटरी था, लेकिन या 4-5 में लिखा हो, तो भी कुछ होगा अंदर में, उसको दूर है। यार देखो तो टोटल कितना सेल है, पांच। ध्यान से देखो तो उसमें तीन एक तरह का और दो दूसरे तरीके से लगा हुआ है, मतलब टोटल में से दो रॉन्गली अटैच है ना। अलग कहा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब हाँ, अब देखो खास बात यह है कि हम लोगों को लगता है कि अच्छा पांच में से दो बेकार हो जाएगा क्योंकि दो रॉन्गली अटैच है, बट एक्चुअली दो बेकार हो जाएगा। देखो तो ये वाला इसको लेकर डूबेगा, ये वाला इसको लेकर डूबेगा, तो कितना बचा, मतलब जितना नंबर ऑफ सेल्स रॉन्गली अटैच है उसका डबल बेकार हो गया। एक बार तो देखो, टोटल एन नंबर ऑफ सेल्स था और उनमें से एम नंबर रॉन्गली अटैच है, टोटल एल आइडेंटिकल सेल है, एम आर रॉन्गली अटैच है। तो जब ऐसा होगा तो टोटल जैसे कितना सेल बेकार होगा, 2m, जो जितना टोटल था उसमें से जो गलत था उसका दुगना बेकार होगा। टोटल पांच था, गलत दो था, तो उसका दुगना बेकार हो गया, मतलब कितना बच जाता काम का। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ सेल एन ही होना चाहिए और रॉन्गली अटैच एम है तो 2m बेकार होना चाहिए, 2m ही बेकार होना चाहिए, होना चाहिए। और टोटल करेंगे तो e कॉमन आएगा, n माइनस 2m। अच्छा एक बात बताओ जरा, ये सेल तो समझ में आ रहा बेकार हो गया, लेकिन क्या रेसिस्टेंस का भी पोलैरिटी होता है क्या। अब हम कहने का मेरा मतलब ये है, ये है R, ये है A, ये है B, अगर इसी रेसिस्टेंस को हम ऐसे लगा रहे हैं तो क्या रेसिस्टेंस में कोई फर्क पड़ता है, नहीं। तो जाहिर सी बात है सेल को फर्क पड़ा था ऑपोजिट पोलैरिटी से, रेसिस्टेंस तो नहीं पड़ा, इंटरनल रेसिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए ऐसा नहीं कि सेल माइनस हो रहा है तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी माइनस होगा, नहीं। जो टोटल रेसिस्टेंस है
ना, देखो तो n रॉन्गली अटैच्ड और 9 इज करेक्टली अटैच्ड, n इज करेक्टली अटैच्ड, दोनों का सम इनटू r, मतलब चाहे आप सीधा लगाए हो सेल या ऑपोजिट पोलैरिटी में सेल लगाए हो, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस कंबाइंड होगा। समझ रहे हो आप? कोई दिक्कत नहीं? तो ये तो हो गया, समझ में आ रहा है? r एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस प्लस n प्लस m इनटू स्मॉल। अभी तक कोई अगर कोई दिक्कत होना चाहिए, सीधा सा याद रखना है, रॉन्गली अटैच्ड है, सिर्फ सेल को फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस टोटल ही आएगा। ये चलो इतना कह रहा, रेजिस्टेंस बता दो, आर 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 एंड एम है ना, इसका रेजिस्टेंस बता दो, उल्टा वाला है, डायरेक्ट बात है, रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा लगा है उल्टा लगा है, कितना? और ये आर, तो टोटल कितना हो रेजिस्टेंस? ऐसा लिख सकता हूं एन प्लस एम इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। देखो तो अभी ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन करना है, इसको थोड़ा कुछ नोट डाउन। देखो तो मेरे पास एक सर्किट है, सर्किट में ये रीडिंग है वोल्टमीटर V1 V2 का, और आपको ये रीडिंग पता करना है। देखो सबसे पहले हमको ये करना होगा कि हमको करंट चाहिए होगा, मान लो इस पॉइंट का नाम हम 1 दे रहे हैं, इसका 2 दे रहे हैं, इसका 3 दे रहे हैं, ठीक। हमको सबसे पहले तो करंट चाहिए, क्योंकि करंट जानने के बाद किरचॉफ का लॉ लगा के हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना। तो करंट निकाल, देखो दोनों उल्टा है, ऑपोजिट पोलैरिटी होगा तो क्या होगा, माइनस, माइनस बचेगा, माइनस, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बचेगा? देखो ज्यादा बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, मतलब करंट ओवरऑल इधर ही होगा 5 वोल्ट, ठीक। कैसे बता दिए करंट का डायरेक्शन? देखो हां इधर निकला पॉजिटिव, हां अभी समझ गए। आगे देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट ये है 2 और ये है 3, अभी करंट हमको पता ही चल जाएगा, तो देखना चलिए, गुड। V1 स्टार्ट करो, V1 निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पर इसको ए बी सी कर देना, V1 फल ऐसे लिखते हैं, V A माइनस कितना, माइनस 15, करंट क्या होगा, करंट इधर है, हम उसके अपोजिट में मूव कर रहे हैं, क्या होगा, पॉजिटिव राइट, 1 into 1, और यही तो था V1, कोई दिक्कत तो बताओ, दिक्कत तो बताओ, देख लो कोई दिक्कत नहीं, चलो अब अगला देख लो, साथ फिर देखना। नेक्स्ट इज VB और VC, VB आगे क्रॉस करो प्लस 10 है ना, और आगे बढ़ो, करंट के अपोजिट में चल रहे हो, करंट ओवरऑल इधर है ना, और हम लोग उल्टा जा रहे हैं, तो क्या VB माइनस VC इज इक्वल टू कितना, -11, और यही क्या है, एक बात ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, अगर आया तो इसको +11 लिख देना। ऐसा क्यों बोले, ऐसा क्यों बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा इसलिए बोले क्योंकि खुद सोचो जरा, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बड़ा में से छोटा, अभी VB माइनस VC बोल रहे तो बोल रहे -11, तो VC माइनस VB बोलेगा तो क्या बोलेगा, 11 प्लस 11। अगर हम बोल रहे हैं A और B, हम बोल रहे हैं BA माइनस VB जो है वो -11 है, तो जब इधर से इधर माइनस करेंगे बीबी में, जब कैसे करेंगे, इसको इधर लेके जाओ, ए से बी गए तो माइनस है, तो बी और इसको इधर लाओगे तो माइनस भी है, और इधर भी जाएगा तो क्या जाएगा, हम डायरेक्ट सी से समझ जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे, समझ में आ रहा है लेकिन कैसे किए। अब जरा सोचो तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि आपको दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकालना है, मतलब बड़ा मैंने छोटे को माइनस करना है, तो बड़ा यहाँ ये था छोटा ये है, तो इधर से इधर आएगा तो पॉजिटिव ही लेंगे, कभी भी निगेटिव नहीं, जहां का पोटेंशियल ज्यादा है वो बड़ा, जहां का पोटेंशियल कम है वो छोटा। अभी समझे, हाँ तो डिफरेंस ही पता करें, तो हमेशा तो पॉजिटिव माइनस आप नेगेटिव का बात कर रहे हैं, अगर हम VB माइनस VC माइनस में बता रहे हैं तो सी कीजिए,
अरे हम यहाँ का बात कैसे नहीं सोचो, अगर हम कह रहे हैं एक va माइनस vb माइनस में आ रहा है मतलब जाहिर सी बात है vb बड़ा होगा, वैसे यहाँ नहीं कर सकते अगर vb माइनस vc कह रहे माइनस तो vc बड़ा होगा, अब उसने तो बोले vc बड़ा होगा। लिख लो तो अगला क्वेश्चन लिखो, छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ भी करेंगे मतलब इतना नहीं करेंगे जैसे इलेवेंथ में करते थे, बहुत कोशिश कर ली बहुत ज्यादा। अभी दो चैप्टर तीन चैप्टर में 42 क्वेश्चंस हैं। नहीं ये सिर्फ एक चैप्टर का है, कहाँ हो तुम, सिर्फ एक चैप्टर का। आप पूरे स्टार्टिंग से जितना स्टार्टिंग से मतलब करंट का स्टार्टिंग से और भी आगे नहीं हुआ है, बचा हुआ है कितना, कोई बात नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब इतना सारा बचा हुआ है तो कभी हो गया ना। बात कर रही बहुत हुआ नहीं, दूसरा हमको बिस्किट खाना था भूखे थे, कौन सा स्कूल है वैसे तीन साल हो गया इस बात नहीं, अभी दो ही साल हुआ है। अरे स्कूल के टीचर से बात मदर से मदर जाते हैं वहाँ पे स्कॉलर रिपोर्ट और एक पार्ट वन वहाँ मदर बस कितना क्वेश्चन से सिर्फ एक ही फायदा होता है कि उसके बाद कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। लेकिन भैया ये YouTube पे जाएगा तभी क्रिस्टल क्लियर होगा। चलो 20 सेल कनेक्टेड इन सीरीज चलो आज तो चले दो लोड रेजिस्टेंस का नहीं पता, टोटल 20 सेल है ठीक है, 20 सबको सीरीज में जोड़े हैं, लोड रेजिस्टेंस का नहीं पता और बोल रहे करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है कितना है, ये क्वेश्चन नंबर है 44 तो उड़ा देंगे क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं है। भले तुम वहाँ पे फंस जाओ बट फिर भी खेल जाके खिड़की से निकालेंगे नीचे, कभी अभी नहीं बोलेंगे नहीं, कई बार होता भी है कई बार आदमी फ्रेम करता भी है क्वेश्चन क्या अच्छा इसी टाइप का कुछ डाटा वाटा चेंज करके फ्रेम कर देंगे, आप इतना बोलते थे कि ऐसा है कि मतलब हर एक टाइप का है आप ये नहीं बता सकते कि आप ही बनाए तो अच्छा इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हर एक टाइप का ढूंढ रहे हैं
खोजते हैं इस किताब में, इस किताब में, इस किताब में। भैया तो बनाया है इसलिए ना कह रहे हैं। अरे कुछ सॉल्व किया हुआ भैया का है ना भैया, सॉल्व करके करते तभी तो दूसरे ढूंढते फिर सॉल्व करते हैं। खैर उसके बाद वो अपने खुद सेल्स का पोलैरिटी रिवर्स किए हैं तो करंट आई बाई फाइव हो गया। अरे गजब पैकेज का फीस इसका हम बात करें तो पैकेज पे है तो पैकेज वाला तो हम तो स्टार्टिंग में बोल रहे कि कोटा का एलएम का पैकेज इसमें कुछ क्वेश्चन चेंज किए हैं केवल ये मैं बोल नहीं तुम लोगों को लगा कॉपी पे कोटा कोटा कितना बार हम ये चीज बोले एक दो बार कितना बार बोले और इसीलिए बोलते हैं कि अगर वो बन रहा था तो हम किस लेवल पे सोचो कहां से शुरू करो ताकि ग्रीन लेवल पे हम लोग और एक मिनट ये 20 साल कुछ पोलैरिटी ऑफ सेल्स आर रिवर्स देन करंट बिकम्स आई बाय फाइव। अब 20 में से कुछ निकाल दिए, कुछ सेल्स को उल्टा कर दिया हमने, पोलैरिटी रिवर्स करा, नंबर नहीं बचा, बताना क्या वही नंबर बता। टोटल 20 था 20 में से n नंबर जो था वो सीधा था और m नंबर कितना था उल्टा था। और उसके बाद बोला कि जो करंट हो गया ना कितना हो गया i बाय 5। अभी आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि कितना सारा जो सेल्स था उसका पोलैरिटी उल्टा हुआ है। यहाँ तो दो चीज मतलब मिसिंग, तो दो तुमको इक्वेशन भी बनेगा ना, दो चीज मिसिंग है। करंट तो यहाँ से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। आप एक जवान बोलो बोलो जी। नहीं कुछ भी, लेकिन के बाद नहीं कुछ। एम और एम दोनों ना वहाँ पर मिसिंग। फाइंड द वैल्यू हाँ ऑफ एम, आई भी निकालना है, एम भी निकालना है। हमको एम एम का कोई काम है क्या? हम ये बोले पहले 20 सेल्स था सीरीज में लगाए करंट आई था, अभी 20 में से कुछ सेल को उल्टा कर दिए, कुछ को उल्टा किए तो जो करंट है वो हो गया आई बाई फाइव। अभी आपको पता ये करना है कि कितने सेल हो, कुछ सेल का नंबर कितना है। ठीक, दो इक्वेशन बनाते हैं, इसे करंट का इक्वेशन बनाओ। आई इज इक्वल टू 20 बाई आर प्लस 20 स्मॉल आर। तो दिक्कत अंदर देखो बोर्ड वही वाला है, तो दिक्कत नहीं। यहां पे देखो आई बाई फाइव इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेल, फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सेल माइनस जितना गलत लगा है उसका दुगना। एन था ना, एन माइनस फॉर्मूला देख, एन कंफ्यूज करने के लिए था, जो फॉर्मूला था एन उसमें एन टोटल नंबर ऑफ सेल था जिसमें एम उल्टा लगाए थे। वहां लिखवा दिए, बताइएगा सुन वहां लिखे हैं लाइन पे लिखे हैं अभी। ठीक है, दिमाग का बच्चे जला, इसीलिए यहाँ एन डाले थे कि कंफ्यूज कर देगा और कर दिया एन कंफ्यूज। माई टोटल नंबर ऑफ सेल्स मतलब आर प्लस 20। अभी इसको सॉल्व करना, कौन पहाड़ तोड़ने के बराबर है, सॉल्व करके आंसर दो। ये सब आप YouTube पे पब्लिक कर ही डालेंगे सब पब्लिक ही कर रहे हैं। उस दिन में जब अनस्टेट करना शुरू करेंगे इस चैप्टर के बाद, क्यों नहीं यहाँ पढ़ी रही तो फिर का रिकॉर्ड लेकिन करेंगे कि सारा मेरे पास अवेलेबल है, कभी कोई ऑप्शन का ऑप्शन रहा तो कहाँ मना कर रहे हैं। मामूल जब तुम यहाँ पढ़ी हो तो वो क्या दिख रहा है, डाउट फॉल्ट सब ऑनलाइन।
सारा जो एब्सेंट हुआ बैकअप क्लास खत्म सारा लेक्चर अवेलेबल दे देंगे। अब यहाँ ऑफलाइन स्टार्ट करा देंगे देखो ना अगले बार लोग कुछ ऑर्डर आ गया हमारा लॉन्ग टर्म लोग 11 में तो खूब खुश थे हम तो 12 का लेक्चर बना लिए हैं बना दिए हैं खैर लिख लिए वो बना सॉल्व हुआ बना लिए रुकी हुई है ओह अच्छा इसके आगे सॉल्व तो हम घर पर दबाने वाले थे कि बोल दिए तो आगे सॉल्व कर हमको एम का वैल्यू चाहिए इस एम का वैल्यू चाहिए हमको दोनों को डिवाइड मार नीचे वाला तो कट जाएगा आप सब बताइए कि दोनों का होगा तो बस लिख दे यही मैं खुश हूं धन्य हो जाए पीछे से मत छाप छाप नहीं रहे गुड 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 कट पुट्टी करो
करना पड़ेगा हमको, या मन में सोचो ना, मन में क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा ये बताओ। सबसे पहले दो सेल है तो करंट निकाल लो, टू ई बाई आर प्लस आर वन प्लस आर टू, इसमें किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट इज, अब जरा देखो यहां से करंट निकल रहा है तो इट इज अ केस ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में टीपीडी का फॉर्मूला आया था, ई माइनस आई आर। देखो जरा रिवाइज नहीं कर रहे तुम लोग है, ई माइनस आई आर। चलो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो। क्वेश्चन बोल रहा है सेल वन के अक्रॉस टीपीडी जीरो, चल ई माइनस आई का वैल्यू बताओ। और इस आर का वैल्यू कितना है, बिकॉज चलो घूमते हैं, गया फिकस्ट उधर देखे चलो, टू आर वन माइनस आर वन और ये उधर कोई कष्ट तो बताइए है, कोई कष्ट इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तुच्छा बना दे, तुच्छा तुच्छा नहीं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी तो होगा, पीछे वाला कंसेप्ट को यहाँ पे मार्ज कर रहे हैं, जहाँ मतलब होगा वहाँ पहले करंट निकालेंगे, बिना करंट के सब कुछ काम नहीं कर सकते हो, करंट और करंट का रिलेशन दो चीज सोचना है, ताकि किरचॉफ लॉ लगाने में टेंशन ना हो, तो किरचॉफ लॉ लगाने वो भी लगा सकते थे लेकिन उससे भी बनेगा तो टक्की होगा थोड़ा सा, घूमना पड़ेगा अच्छा खासा, उससे भी आएगा बात नहीं आएगा, जब देखो करंट डायरेक्शन ही है ना, तुम यहां से शुरू करो जो भी होगा, जिधर से करंट मूव कर रहा हाइयर से लोअर जाता है, याद करो पिछले वाला में उल्टा लिए थे इसलिए माइनस में आ रहा था, वो तो हम कर लेते हैं, इधर से शुरू करते हैं, इधर से करोगे तो इधर से नहीं करो, इधर से करके दिखा ताकि यही फॉर्म दिखे, ठीक। करंट डायरेक्शन में ड्रा माइनस आई आ रहा, उसके बाद राइट, सही तो है, इसको भी टू को भी जोड़ो, तुमको क्यों जोड़ोगे, तो तुमको यहां से इसके टीपीडी मतलब इसके क्रॉस को माना जरूर होता है, वही तो समझ रहे हो, टीपीडी में उसके क्रॉस लेंगे दोनों के क्रॉस होता है, जो बोला है सेल वन बोला तो सेल वन के क्रॉस है ना, अपने मतलब क्या है, क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोला कि सेल वन के क्रॉस ही टीपीडी जीरो है, तो पूरा क्यों लेंगे, ठीक है। चलिए अभी बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं।